जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कमाल के एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है पिंटरेस्ट। दोस्तों जैसे आज आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इन सभी का यूज़ करते हैं, वैसे ही ये पिंटरेस्ट है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह बताने वाला हूँ कि आखिर ये पिंटरेस्ट होता क्या है, इस पिंटरेस्ट का यूज़ आप किस काम के लिए कर सकते हैं और कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पिंटरेस्ट एप्लीकेशन है ये बेसिकली एक अमेरिकन इमेज शेयर सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। जैसे आज आप फेसबुक का यूज करते हैं अपने मन पसंदीदा फोटो और वीडियोस को शेयर करने के लिए, अपने दोस्तों से बातें करने के लिए, जैसे आप आज इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं, वैसे ही ये जो एप्लीकेशन है पिंटरेस्ट, इसको स्पेशली इमेजेस को या फोटोज को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों वैसे तो इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो वो सभी कॉमन फीचर्स इसके अंदर हैं जो आपको दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर मिलते हैं, लेकिन ये उन सब से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इमेज शेयरिंग होती है, यानी कि यहाँ पर जो लोग फोटोज़ को या वीडियोज़ को शेयर करते हैं उनकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है, यानी कि वो किसी एक श्रेणी को लेकर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई फ़ोटो शेयर की, मान के चलिए खाने की, आपने कुछ खाने का आइटम पर शेयर किया, तो वो जो फोटो है वो आपकी फूड कैटेगरी के अंदर यहां पर पिंटरेस्ट एप्लीकेशन पर शेयर हो जाएगी और वही कैटेगरी आपके अकाउंट के अंदर भी क्रिएट हो जाती है। वहीं दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहां पर जब आप कोई भी वीडियो या फोटो शेयर करते हैं तो वो कॉमन तरीके से शेयर होती है, उसकी कोई कैटेगरी वहां पर डिफाइन नहीं होती है और कंबाइंड कह सकते हैं फॉर्मेट में आपको वहां पर आपका सारा कंटेंट दिखता है। लेकिन पिंटरेस्ट पर जो भी कंटेंट आप शेयर करेंगे वो कैटेगराइज हो जाता है, अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग वहां पर वो डिवाइड हो जाता है। वहीं पर दोस्तों ये जो पिंटरेस्ट है ये आज दुनिया के टॉप फोटो शेयरिंग सोशल मीडिया ऐप्स में आता है। दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन का यूज़ करने के लिए आपको इस पर साइन अप करना होता है, जिसमें आप अपनी एक गूगल आईडी को यहाँ पर या फिर जीमेल आईडी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका यूज़र नेम, आपकी डीपी, आपकी जितने भी पर्सनल इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर कहीं ना कहीं इंसर्ट करते हैं, जैसे आप वहाँ पर प्रोफाइल बनाते हैं वैसे ही आप यहाँ पर भी प्रोफाइल बना सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ की ये लगती है कि इस एप्लीकेशन का पिंटरेस्ट का यूज़ करके आप अपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर अपने ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर अपना वो कंटेंट, अपनी वो लिंक शेयर कीजिए, यहाँ की ऑडियंस आपके यूट्यूब चैनल पर जाएगी, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो यही काम वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, अपने कॉन्टेंट के जरिए अपने ऑडियंस को आप अपनी वेबसाइट और चैनल पर डाइवर्ट करके उनको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस पिंटरेस्ट एप्लीकेशन में जो भी कंटेंट आप शेयर करते हैं उसमें आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन भी देखने मिलता है। एनालिटिक्स का फायदा आपको यहाँ पर होगा कि जो आपने कंटेंट शेयर किया है उसको आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि वो जो फोटो आपने शेयर की है उसको कितने लोगों ने देखा, उसको कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने पसंद किया, ये सारी जानकारियाँ आपको एनालिटिक्स के अंदर पिंटरेस्ट में देखने मिल जाती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर इस पिंटरेस्ट को यूज़ करने के लिए इसको डाउनलोड कहाँ से किया जाए। तो दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला, अगर आप ऐप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। इसके अलावा अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड में आप प्ले स्टोर पर जाइए और पिंटरेस्ट टाइप कीजिए, वहाँ पर ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आप आईफोन का यूज़ करते हैं तो आप ऐप स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आपको पिंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए।